चंडीगढ़ के सेक्टर 17 में शिव कावड़ संस्था ने परिवर्तन वेलफेयर एसोसिएशन के साथ मिलकर रक्तदान कैंप का आयोजन किया। यह कैंप अंतर्राष्ट्रीय रक्तदाता दिवस के तौर पर मनाया गया। इस कैंप में चंडीगढ़ के पीजीआई के डायरेक्टर डॉक्टर आर के शर्मा और प्रोफेसर सुरजीत जो कि ब्लड बैंक में हैं उनकी उपस्थिति में इस रक्तदान कैंप का उद्घाटन किया गया। शिव कावड़ संस्था के अध्यक्ष राकेश सांगर ने कहा, पिछले 9 वर्षों से हमारी संस्था रक्तदान शिविर का आयोजन कर रही है। पिछले वर्ष कोरोना काल में हमारी संस्था ने पीजीआई को करीब 13,000 रक्त दे चुके हैं। वहीं परिवर्तन वेलफेयर एसोसिएशन की अध्यक्ष रेणुका शर्मा ने कहा, इस कैंप में 132 लोगों ने रक्तदान किया है और वे लोगों से अपील की कि लोग रक्तदान जरूर करें। चंडीगढ़ से अजीत झा की रिपोर्ट। मैं राकेश कुमार संगर श्री शिव कांवड़ महासंघ चैरिटेबल ट्रस्ट से हूं। हमारी संस्था पिछले लगभग 28 सालों से लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित करती है और हम हर साल लगभग 10,000 यूनिट ट्राई सिटी के ब्लड बैंक्स को मरीजों की सहायता के लिए देते हैं। और मैं कहूँगा कि ये सोसाइटी में सब लोगों का एक जॉइंट दायित्व बनता है कि सब लोग आगे आएं और ज़रूरतमंद मरीजों की सहायता के लिए रक्तदान करें। रक्त कहीं बनाया नहीं जाता, अगर ये डोनेट होगा तभी मरीजों को मिलेगा और इसकी असली अहमियत उस टाइम पता लगती है जब अपने किसी रिश्तेदार को ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। और इसलिए सबको नॉर्मल टाइम में ब्लड डोनेट करना चाहिए, मुसीबत के टाइम पे डोनेट किया तो क्या किया। बहुत बहुत धन्यवाद। हम फर्स्ट ऑफ ऑल मैं शिव कावड़ महासंघ का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ इस संस्था को, और हम अपने डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन पीजीआई की तरफ से इनका आभार प्रकट करते हैं कि ये लोगों में रक्तदान के प्रति एक जागरूकता बना रहे हैं। और चूंकि आज हम सब जानते हैं कि आज एक वर्ल्ड ब्लड डोनर डे है, विश्व रक्तदाता दिवस जो 14 जून को ऑल ओवर द वर्ल्ड सारी दुनिया में मनाया जाता है, ये इसलिए मनाया जाता है कि इसमें जो हमारे एक साइंटिस्ट थे कार्ल लैंडस्टाइनर, जिन्होंने हमारे ब्लड ग्रुप एंटीजन एबीओ सिस्टम की डिस्कवरी की थी, ये उनका जन्मदिन है। और उसके जन्मदिन को क्योंकि एबीओ ब्लड ग्रुप डिस्कवर करने के बाद ही एक साइंटिफिक बेसिस हमें ट्रांसफ्यूजन का मिला था, तो उस वजह से ये इस चीज़ को अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ताकि रक्तदान दें और विश्व में लोगों की सहायता करें जो पेशेंट जो हैं अस्पतालों में जिनको ब्लड और ब्लड कंपोनेंट चाहिए। और इस साल का जो थीम भी है कि डोनेट ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग, एक्चुअली सो बेसिकली दैट वो जो थीम है वो यही एक्सप्लेन करता है कि यूथ को, स्पेशली जो यंग हैं, क्योंकि जैसे आपने देखा ये कोविड महामारी हुई है, इस दौरान लोगों में बहुत सारी भ्रांतियां पैदा हुई, बहुत सारी शंकाएं पैदा हुई, तो उनको दूर करने के लिए एक अवेयरनेस कैंपेन क्रिएट की गई है कि एटलीस्ट जो हमारा यूथ है वो आगे आए और इस रक्तदान। मैं डॉक्टर सचदेव हूँ ब्लड बैंक से, और हम इस डिपार्टमेंट में ब्लड डोनेशंस का संचालन करते हैं पूरी ट्राई सिटी में, ताकि रक्त की कोई आपूर्ति ना रहे। और ब्लड को कलेक्ट करते हैं उसको कंपोनेंट्स में प्रिपेयर किया जाता है, क्योंकि ये स्कार्स रिसोर्स है, तो जिसको लाल रक्त की ज़रूरत है उसको लाल रक्त दिया जाता है, जिसको प्लेटलेट्स की ज़रूरत है उसको हम प्लेटलेट्स दे देते हैं, जिनको प्लाज्मा की ज़रूरत है उनको प्लाज्मा देते हैं। इस तरह इस स्कार्स रिसोर्स का उपयुक्त वो किया जा सकता है यूजेज। तो रक्त नहीं मिल पाने के कई कारण हैं, कि जैसे सर ने बताया था कि ब्लड ग्रुप कार्ल लैंडस्टाइनर ने बताया था, कुछ एक मात्रा में लोगों में ब्लड पाया जाता है, ओ कितना, बी कितना, ए कितना और ए बी कितना। अमूमन पॉजिटिव्स 85% होते हैं और नेगेटिव्स 15% होते हैं, बट हिंदुस्तान में पॉजिटिव्स 95% हैं और नेगेटिव्स 5% हैं। अब आज इस शिविर में कोई गारंटी नहीं है कि वो नेगेटिव का एक भी डोनर आएगा, चाहे 5,000 डोनेशन भी हों, बट क्या सृष्टि में हम रोक सकते हैं 5 पेशेंट को आने से ब्लड बैंक में?
तो वो एक रिलेटिव मिसमैच होता है जिसमें सोसाइटी ने ब्लड बैंक का हाथ थामना है, क्योंकि अगर आप मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगी कि हमने कोविड के टाइम में बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए, लेकिन संजय राकेश सांगर जी के साथ हमने पिछले 1.5 महीने से रक्तदान शिविर के साथ काम करना शुरू किया है। और मुझे लगता है कि ब्लड डोनेशन जो है इससे बड़ा कोई दान नहीं है, क्योंकि अभी पीछे हमने जो सेकंड वेव आई थी कोविड के अंदर, उसमें हमने देखा कितनी त्राही त्राही थी, कितनी कमी थी ब्लड डोनेशन ब्लड्स की। सारे के सारे जितने भी हमारे ब्लड बैंक्स थे उनके अंदर ब्लड मिलना ही मुश्किल हो गया था। तो उसी के बाद हमने ये संकल्प लिया, ख़ास तौर से मैं धन्यवाद करना चाहूँगी राकेश जी का, हम अपने संकल्प में अग्रसर रहें कि ब्लड बैंक्स को दोबारा से रिफिल किया जाए, ताकि भगवान ना करे अगर नेक्स्ट वेव आती है तो उसके अंदर हम सक्षम हों और कोई भी कम से कम ब्लड की कमी के। जी मैं ऑल ओवर इंडिया में चला हुआ हूँ एक मिशन लेकर के, मिशन कश्मीर टू कन्याकुमारी, जिसके तहत मैं लोगों को अवेयर कर रहा हूँ कि ब्लड डोनेट करने से कोई वीकनेस नहीं आती और जो ज़रूरतमंद होते हैं उनकी ज़रूरत पूरी होती है। तो उस वजह से मैं ऑल ओवर इंडिया में चला हुआ कश्मीर से कन्या, और हर स्टेट की कैपिटल में जाके ब्लड डोनेट कर रहा हूँ और लोगों को अवेयर कर रहा हूँ, एक संदेश दे रहा हूँ ब्लड डोनेट करना चाहिए, जैसे आप फिट रहेंगे तो दूसरों के काम आ सकेंगे। मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ, नहीं आज सूचना नहीं आती, मैं सेटिंग करके फिर जाता हूँ उसके हिसाब से, जैसे पीजीआई चंडीगढ़ है, पीजीआई चंडीगढ़ से मैं रेगुलर 100 बार ब्लड डोनेट कर चुका हूँ, 136वीं आज डोनेशन है। उसके बाद मैंने बाहर का सिस्टम शुरू किया, 18 स्टेट्स में अब इस समय कवर कर चुका हूँ, सुबह की फ़्लाइट जाता हूँ, शाम की फ़्लाइट करके ब्लड डोनेट करके वापस आ जाता हूँ। तो आज मेरी 14 जून को वर्ल्ड डोनेशन डे पर ये संदेश भी है कि लोगों को आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें इस ब्लड डोनेशन में। मेरी बिटिया का जन्मदिन भी होता है, मैं कितना खुशकिस्मत हूँ उस दिन परमात्मा ने मुझे इस रूप में बिटिया भी दी है। तो ब्लड डोनेशन करना एक बहुत अच्छी सिस्टम में आता है। मैं लोगों को संदेश देना चाहूँगा कि आप आगे आकर के ब्लड डोनेट करें, जिस अगर हम ब्लड डोनेट करेंगे तो लोगों को स्वस्थ सिस्टम मिलेगा सारा। तो कोविड के दौरान भी मैंने 19 बार ब्लड डोनेट किया, तो मेरे मन में मेरी भी फैमिली है, मैं ये सोच के चलता हूँ जो जिसको ज़रूरत है वो भी तो मेरी फैमिली है, तो उस वजह से मेरे को ठीक लगता है इस चीज़ को करना। अज मेरा 23वां दिन है जी रक्तदान वास्ते, 23वीं बार अज कर रहे हैं, मैं बहुत अच्छा लगता है किसी से मेरा ब्लड जो किसी के काम आवे, इसी वास्ते मैं जिते भी कैंप लगता है उत्थे जा किसी की जरूरत होंदी है वो बुलांदा, उत्थे जाके मैं अपना ब्लड दान कर आना। इस ये तो मैं वैसे ड्यूटी करता सी तो देखा भी इतने कैंप लगाया तो मैं ब्लड देन आ गया, इस बार मैं नस पता पे अज डे भी है। थैंक यू।